वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि समाज का गरीब वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ा है और सरकार की योजनाओं का लाभ चुनाव में दिखा है। जेटली ने कहा कि नोटबंदी का पूरा फायदा बीजेपी को मिला और जेटली से इसी बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में शायद इस जीत को बीजेपी के कई लोगों को भी इसका उम्मीद नहीं था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी। जिस तरह से जीत की बात आप कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे कि जीत मिलेगी, क्या इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? ये तो लग रहा था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का कैंपेन चल रहा था, पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा था, समाज के अलग अलग वर्ग जिस प्रकार से साथ आए थे और विशेष रूप से देश समाज का गरीब वर्ग हमारे साथ आया था, इससे स्पष्ट था कि एक बड़ी जीत होने वाली है। अब वो कितनी बड़ी होगी ये तो अनुमान लगाना आकलन लगाना कठिन होता है। जिस तरह से सरकार की कई सारी योजनाएं, जनधन योजना थी, उज्ज्वला योजना थी, इन तमाम योजनाओं का क्या आपको लगता है कि असर सीधे वहां पहुंचा है? जो पहुंचा है सरकार के एक एक कार्यक्रम का, चाहे मुद्रा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जनधन बैंक खातों की योजना हो, गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन करना, गांव में सिंचाई की सुविधा देना, शौचालय देना गरीब आदमी को, और उसके अलावा काले धन के खिलाफ कार्रवाई करना, जो लोग पैसा नहीं देते सरकार को उनसे लेकर गरीबों के हित में खर्चना, मुझे लगता है इससे देश का गरीब सरकार के साथ जुड़ा है और देश के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नया जुड़ाव हुआ है वो देश के गरीब वर्ग का हुआ है। नोटबंदी को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये सरकार का फेलियर होगा या फिर उसके लिए, लेकिन सरकार को इस बात का पूरा कन्विक्शन था कि ये एक बहुत ही पहले दिन से ये स्पष्ट था कि देश की जनता इसके साथ है और विशेष रूप से समाज का गरीब वर्ग इसके साथ है, और वो इससे स्पष्ट होता था कि तकलीफ सहने के बाद भी देश में एक विरोध नहीं हुआ। और केवल इस गलत फहमी में रहना कि देश नोटबंदी के खिलाफ रहेगा और वोट दे देगा, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी भूल थी। और स्वाभाविक रूप से सरकार की प्रो पुअर छवि जो थी वो बनाने में इसका एक बहुत बड़ा रोल था। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में सिर्फ देश के नहीं, बहुत सारे विदेश के इन्वेस्टर्स और तमाम लोगों की निगाहें लगी हुई थी कि सरकार की जो कंसिस्टेंट पॉलिसी है वो आगे बढ़ेगी। अब इसको आप किस तरह देखेंगे? स्वाभाविक लाभ है, जब सरकार मजबूत होती है तो निर्णय लेने की ताकत और बढ़ती है, तो इसका एक स्वाभाविक रूप से लाभ होता है। आखिरी सवाल की राज्यसभा में अब किस तरह के हालात दिखेंगे? जो पहले जो जब राज्यसभा में चुनाव होगा अगला, तभी आंकड़े बदलते हैं। जी मीडिया से बात करने का शुक्रिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली बताते हुए कि इसको एक रेफरेंडम की तरफ लिया नोटबंदी को, नोटबंदी का सरकार को पॉजिटिव फायदा मिला।